फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ वॉलमार्ट किसी स्पेशल काम से, और शनै मेरे साथ है और वो भी इतना हैप्पी, वो इसलिए क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ टॉयज। तो टॉयज सेक्शन में ना जाके काफी बार कंफ्यूजन होता है कि कौन से टॉयज ले, और मेरा बेटा है 3 इयर्स का, तो मुझे तो काफी बार कंफ्यूजन होता है कि क्या टॉयज परचेज करूँ और कहाँ से। तो मैं ढूंढ रही थी टॉयज सेक्शन और फाइनली वो मुझे मिल गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या टॉयज आप ले सकते हैं और उनकी प्राइस क्या है। तो फाइनली हम यहाँ पहुंच गए हैं, और ये देखिए $9 में मैं आपको दिखा रही हूँ पॉ पेट्रोल वाली ट्रक वाली गेम की, जो आप परचेज कर सकते हैं अगर आपका बॉय है, बेबी बॉय, या आपकी बेबी गर्ल है जिसको पॉ पेट्रोल देखना पसंद है। तो ये एक काफी गुड डील है और एक क्लियरेंस में भी था। तो पहले हम ना देखेंगे जो अंडर $10 की टॉयज है या $10 के टॉयज है वो। तो ये सारे टॉयज जो है पॉ पेट्रोल वाले, ये सारे है अराउंड 10, और ये सारा पूरा सेक्शन है 3 to 5 इयर्स के किड्स के लिए। तो यहाँ पे सारे वैसे अप्रोप्रिएट टॉयज है, तो पहले हम वो देखेंगे। यहाँ पे ऐसे कई सारे डिफरेंट आइल्स बने हुए हैं कि जहाँ पे एज वाइज और वैरायटी ऑफ टॉयज अलग अलग डिफरेंशिएट करके उन्होंने रखे हुए हैं। ये ना थोड़े से स्मॉलर किड्स वाला सेक्शन है। फिर ये है मैग्नेट वाले नंबर्स की, जो आप परचेज कर सकते हो, और ये भी है अराउंड 987 का। तो मैग्नेटिक बोर्ड या फ्रिज पे भी ये चिपका सकते हैं, तो ये भी एक एजुकेशनल और अच्छा वाला टॉय है। देन अनदर वन इज दिस ABCD का बोर्ड, तो ये भी है 997 का, और इसको ये अल्फाबेट पजल नाम दिया है इन्होंने। सो दिस इज ऑल्सो नाइस कि वुडन ब्लॉक्स बने हैं, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। एंड ये वाला पूरा सेक्शन है कि जहाँ पे सारे एजुकेशनल टॉयज हैं। फिर आता है ये कार वाला सेट, तो ये पूरा सेट है, और आई थिंक ये मैग्नेट से जुड़ी हुई कार्स है। तो ये है 597 की, तो ये भी एक अच्छा परचेज है कि अगर आपके पास ट्रैक बनी हुई मैट है तो उसके लिए भी अच्छा है। एंड फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्नेक एंड लैडर वाला पुराना गेम जो हम काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं, वो भी है 993 का, तो ये भी एक गुड प्राइस पे है। तो ये वाला सेक्शन है जहाँ पे ये सारे बैठ के पेशेंस वाले जो गेम है वो है। तो 997 का है, $9.97 का, ये 4 in a row वाला कनेक्ट गेम। तो इसको ये आपको पता होगा बिंगो गेम की तरह ही है, तो ये भी एक अच्छा यूजफुल टॉय है। एंड फिर और मुझे दिखा ये जेंगा और ये फिशिंग वाला गेम। तो ये फिशिंग वाला गेम जो है वो मैग्नेट वाला नहीं है, नॉर्मल वाला है, और ये जेंगा भी अच्छा है। तो दोनों की प्राइस भी अंडर $10 है, विच इज़ नाइस। सो कई सारे टॉयज होते हैं आयल में, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है, स्पेशली जब बच्चे हमारे साथ हो और वॉलमार्ट आए, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना उनको पसंद ही आता है, राइट? हमेशा डिमांड होती है, तो हम क्या बाय कर सकते हैं उनके लिए। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आप जब वॉलमार्ट जाओ तो यू नो कि वॉट टू परचेज फॉर योर किड। और अगर एजुकेशनल टॉयज कभी लेने हैं, कभी ऐसा है कि कार या उसकी फेवरेट गेम देनी है, तो हर एक सेक्शन वाइज आप कैसे जा सकते हो। फिर ये है ना थोड़े बड़ों की गेम्स हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड्स वगैरह है जो भी काफ़ी मतलब रीजनेबल रेट्स में है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, तो इसमें आप बचा सकते हो $8। तो ये क्लियरेंस पे थी प्लेडो वाला पूरा सेट, तो इसमें 4 टाइप्स के अलग अलग प्लेडो और उसके शेप्स आते हैं। देन हम आते हैं नेक्स्ट आइल में, तो यहाँ पूरा गर्ल्स का सेक्शन है, आप देख सकते हो बारबीज एंड डॉल्स एंड उनकी एक्सेसरीज। तो मेरा तो भाई लड़का है, लेकिन जिनकी भी लड़कियाँ हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो ये सारे जो भी कलरफुल पिंकी टॉयज है, तो ये सारे गर्ल्स के लिए है, छोटी से लेके बड़ी सारी लड़कियाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उनको मिल ही जाएगा। सो ये है वो पूरा सेक्शन। और यहाँ पे भी मैं जब देख रही थी, तो मुझे अराउंड लाइक $5 से लेके $20-25 तक की कई सारी रेंज में बारबीज एंड उनके सेट्स, क्लोथ्स, कई सारी चीज़ें थी। तो ये भी पूरा एक सेक्शन है। लड़कियों की बात करें तो लड़के क्यों पीछे रहे भाई, तो आ गया है गन का सेक्शन। तो यहाँ पे पूरा एक सेक्शन बना है जहाँ अलग अलग टाइप की गन्स है। तो ये नर्फ वाली गन्स जिसके सॉफ्ट बुलेट्स होती है वो भी है यहाँ पे। तो ये वाली जो ग्रीन गन आप देख रहे हो ना, ये थी अराउंड $5 की, $5.20 समथिंग, तो विच इज़ अ गुड प्राइस। तो अगर आपका बेटा या बेटी 3 और 5 इयर्स के बीच में, तो ये स्मॉलर साइज की गन भी इनफ है उसके लिए, राइट? और फिर यहाँ पे देखो ये कितनी क्यूट क्लियरेंस में टॉयज है। और यहाँ पे ना कई सारे कपड़े, फिर छोटे छोटे बेड्स, बैग्स बारबी की, बहुत सारी चीज़ें थी कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये सारी चीज़ें भी खेलने के लिए हो सकती है। आप देखिए उनके स्टिकर्स और उनकी कैमरा और उनके अलग अलग एक्सेसरीज भी यहाँ पर लगाई हुई है।
तो गाइज पेशेंस वाली गेम्स को मारते हैं गोली और आते हैं फिजिकल गेम्स की तरफ। तो फिजिकल गेम्स के लिए यहाँ पे है ये गोल्फ सेट, ये टेनिस, टेबल टेनिस वाला और रैकेट और कई सारी और चीज़ें। और आप देख सकते हो गोल्फ सेट है बिल्कुल 997 में। तो ये कई सारी चीज़ें हैं लॉन गोल्फ के लिए और इनडोर गोल्फ, पार्टी गोल्फ के लिए भी। और ये अब आता है कार का सेक्शन। तो ये बड़ी, कितनी बड़ी कार है यहाँ पे। तो पहले तो मेरी नज़र उस पर ही गई कि ये सबसे बड़ी कार थी आई थिंक सो आइल में, लेकिन ये थी $49 की। तो ऑब्वियसली रिमोट वाली कार थी। और यहाँ पे कई सारी और कार्स है जो मतलब मॉन्स्टर ट्रक्स आप बोल सकते हो। तो उसमें शने की भी कई सारी फेवरेट टॉय है यहाँ पे, क्योंकि शने को कार्स बहुत पसंद है। तो कार्स की प्राइस भी अराउंड वही थी, $5 से लेके $25-$30 तक में कई सारी कार्स थी। फिर अगर जायंट कार्स की बात की जाए तो फिर उनमें $49 से लेके $50 तक की भी कार्स थी। और यहाँ पे हॉट व्हील्स और कई सारी वैरायटी ऑफ कार्स थी। तो मैं शनै को वही दिखा रही थी। और एक दो कार्स तो ऐसी थी कि जो ऑलरेडी हमारे पास है, और ये जीप जो ब्लू वाली यहाँ दिख रही है वो भी हमारे पास है। तो मैं उसको वो दिखा रही थी, वो हमें किसी ने गिफ्ट करी है, सो दैट्स देयर। और ये कितनी सारी कंस्ट्रक्शन वाली कार्स भी है। और ये पूरी एक ट्रक है जिसमें स्मॉल कार्स आप लोड कर सकते हो, और ये है अराउंड $22 की। तो बॉयज़ का तो भाई कार चलाने का मतलब उनका तो क्रेज़ी अलग होता है, राइट? तो ये बाइक्स थे अराउंड $9 के। तो अगर इन किसी को पसंद है कलेक्शन बनाना तो वो ये भी बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द नाइस कलेक्शन बन सकता है। और ऊपर कई सारी हॉट व्हील्स की कार थी, और ये ट्रैक्स भी थे वहाँ पे। तो ट्रैक्स से आप पूरा एक ट्रैक बना सकते हो, और ये अलग से ट्रैक भी मिलते हैं, प्लस ऐसी वाली गेम भी मिलती है कि जो ट्रैक्स वाली हो, मतलब पार्किंग बना हो या ऐसा कुछ, और वो भी हॉट व्हील्स का ही। सो ये जो पिंक वाली कार है ना, वो भी शनै को गिफ्ट में मिली थी एक बार। तो वो $24 की है। उसके स्क्रूज, नट बॉल्स वगैरह आप सब ओपन कर सकते हो और उसको फिर से फिट भी कर सकते हो। सो ये था पूरा कार वाला सेक्शन। एंड अब आते हैं हम साइकिलिंग की तरफ। तो जी समर अब अप्रोचिंग है, तो साइकिलिंग वाला सेक्शन भी अब हेलमेट्स और कई सारी उसकी साइकिल एक्सेसरीज से हो गया है फुल। तो ये है उसका एक हॉर्न। तो यहाँ पे कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट्स है, तो विच इज़ अ नाइस थिंग। हेलमेट तो पहनना ही चाहिए साइकिलिंग करते वक्त। और यहाँ पे होवरबोर्ड भी है, यहाँ पे वो स्कूटर जो है वो भी है। तो कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूटर्स हैं, अलग अलग कार्टून्स से बने हुए, और उसकी प्राइस अराउंड 48-64। अलग अलग टाइप की वैरायटी है, कंपनी वाइज डिफर करता है। बट गाइज आप कौन सा टॉय कहाँ से परचेज कर रहे हो वो आपको बहुत ही माइंडफुल होना पड़ेगा, क्योंकि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे MRP कोई फिक्स नहीं होती है, और $2 की चीज़ कोई $5, $10 में भी बेच सकता है। सो प्लीज़ बी माइंडफुल वाइल परचेजिंग योर टॉयज कि कौन सा टॉयज आपको कहाँ पे सस्ता और अच्छा मिलेगा। सो ये था बॉल वाला सेक्शन, जहाँ पे कई सारे बॉल्स थे। रग्बी बॉल भी था, और ये वॉलीबॉल वाले बॉल्स भी थे यहाँ पे। सो और फिर आती है साइकिल्स। तो साइकिल्स मतलब शनै की फेवरेट गेम है, उसको बहुत पसंद है साइकिल्स राइड करना। और वो जब भी यहाँ आता है तो वो नई साइकिल दिखता है, बोलता है मुझे ये परचेज करके दो। सो ये है स्पाइडरमैन वाली साइकिल। तो अब यार मैंने बोला मेरा लड़का है, तो मेरा ध्यान ना ऐसी चीज़ों पर ही जाता है जो उसे पसंद है। तो ये थी अराउंड $148 की, और सारी साइकिल अराउंड इसी रेंज में थी, 125 से लेके 150 के बीच में। और फिर ये विंटर स्टफ है कि जो स्लेज वाली चीज़ें हैं, जो एयर फिल करने वाला स्लेज है, वो था अराउंड $14-$15 का। तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, और कई सारा और स्लेज के अलग अलग पैटर्न्स हैं यहाँ पे, तो वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर किसी को नहीं पता था कि वॉलमार्ट में टॉयज़ भी मिलते हैं, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे या कोई इंडिया से आ रहा है, तो उनको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉयज़ का भंडार है भाई, और हर एज के लिए यहाँ वैरायटी है। नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है, और वो भी किफ़ायती। बट हाँ, कुछ चॉइसें ऐसी है कि जो आप ऑनलाइन या फिर कहीं और से परचेज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे बेटर प्राइस में मिल सकती है। एंड ये है लेगो वाली चीज़ें, तो ये ना जिनको मतलब छोटे छोटे लेगो पीसेस पसंद है तो वो ये परचेज कर सकते हैं। और ये हॉट व्हील्स का ना पूरे 3 टब भर के छोटी छोटी कार्स थी, जो अराउंड $1-$2 की थी, और उसमें कई सारे डिफरेंट वेराइटी विंटेज कार्स, ट्रक्स और कई सारी कार्स थी, और सारी हॉट व्हील्स की।
सो जब भी शनाया आता है तो एक कार तो लेके ही जाता है। और जो मैं लेगो की बात कर रही थी, पीछे वो क्लियरेंस वाले थे और यहाँ पे तो पूरा एक आइल बना हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ लेगो। और लेगो ना थोड़े से मतलब कॉस्टली होते हैं, तो अराउंड 25 से लेके $50 तक का आपको पूरा एक गेम मिल जाएगा लेगो का। और इसके पीसेस बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो अगर आपके बच्चों को पसंद है लेगो तो आपको उसका एक अच्छा मतलब स्टोरेज बनाना पड़ेगा ताकि ये पीसेस खो ना जाए या यहाँ वहाँ घर में आप किसी को लगे नहीं। तो गाइज अब बारी आती है कलर्स की, तो कलर्स भी आज क्लियरेंस में थे 587 में क्रेओला के कलर्स थे। तो क्रेओला एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मानी जाती है कलर्स के लिए कनाडा में, हर जगह आपको इसी के कलर्स मिलेंगे। तो स्केच पेंस, वाटर कलर्स, क्ले कलर्स और कई सारे चॉक कलर्स वगैरह थे यहाँ पे, और सारे इसी प्राइस में थे और पूरे बड़े बड़े पैक्स भी थे, सारे 587 में थे। तो दिस इज ऑल्सो अ नाइस ऑप्शन फॉर किड्स और इफ़ यू वॉन्ट टू गिफ्ट फॉर समबडी। तो ये वाला जो सेक्शन है ये एक सुपर टिप है आपके लिए। तो यहाँ पे ना कई सारे ऐसे स्केच पेन, मिक्सर, फिर क्ले वाले टॉयज और कई सारे ऐसे सारे गिफ्ट्स का पूरा पैक होता है कि जो इंटरेस्टिंग भी होता है, वन टाइम यूज़ भी होता है, कई बार रीयूजेबल भी होते हैं चीज़ें। तो एज वाइज आप परचेज कर सकते हो और इस सेक्शन में आपको हमेशा सब कुछ मिल ही जाएगा। तो ये वाला सेक्शन जहाँ पे ब्रेसलेट्स बनाने वाला है, फिर कार बनाने वाला है, टी शर्ट कलर टाई एंड डाई करने वाला है, किट, तो ऐसी सारी किट्स है जो DIY है, जनरली सारी DIY है, तो गर्ल्स के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आई एम श्योर गाइज कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट विजिट में क्या परचेज करना है वो भी आपने डिसाइड कर लिया होगा। बाय।